देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां एनएसयूआई ने वन मंत्री का घेराव किया है। वन रक्षक भर्ती घोटाले को लेकर यह घेराव किया गया है। हरक सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं, जिन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करना पड़ा है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का घेराव करने के लिए तमाम प्रदर्शनकारी कूच कर चुके हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसयूआई के ये तमाम कार्यकर्ता जो वन मंत्री हरक सिंह रावत के घेराव के लिए निकले हैं, बहरहाल बैरिकेडिंग की मदद से रोका गया है। रवि कैंतुरा से डिटेल लेते हैं। रवि, ये बताइए कि कहां तक आगे बढ़े हैं ये प्रदर्शनकारी, क्या डिटेल मिल पा रही है? जी देखिए, पहले जो है कुछ प्रदर्शनकारी वन मंत्री हरक सिंह रावत की आवाज को कूच करने जा रहे थे, तो पुलिस को ये लगा कि ये कम संख्या में होंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा और उसके बाद पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई है। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे एनएसयूआई के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, और लेकिन उसके बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उस दौरान भी गाड़ी के आगे जो है कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर लेट गए, और इस तरीके से जो है बहुत बड़ा बवाल जो है अभी तक लगातार चल रहा है हरक सिंह रावत के बाहर। उनकी यही मांग है कि हरक सिंह रावत अपना इस्तीफा दें, और साथ में यूकेएसएससी के जो सचिव हैं और जो अध्यक्ष हैं उनको भी अपने पद से भर्ती घोटाले के चलते इस्तीफा देना चाहिए। जी, तो भर्ती घोटाले को लेकर अब तक कितनी अपडेट मिल पा रही है? इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश बढ़ गया है? जी देखिए, लगा जो अभी तक एक इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है और लगातार पुलिस इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है और लगातार इसमें छानबीन चल रही है। कुछ नाम और भी सामने आए हैं जो कि लोग इसके साथ जो इसमें संलिप्तता पाई गई है, लेकिन जो है लगातार इस पर जो है राजनीति भी अपनी जो है चल रही है, लगातार पॉलिटिक्स भी इस पर हो रही है, जहां पर युवा कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन करती रही। कुछ दिन पहले यूकेएसएससी में एनएसयूआई ने ही प्रदर्शन किया था और आज जो है वन मंत्री हरक सिंह रावत की आवाज पर। लेकिन रवि, ये तो जाहिर सी बात है, देखिए तस्वीरें भी आ गई है, जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पर है, घोटाले की जांच अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन युवाओं का जो नुकसान हो रहा है, ये भर्ती जो अटकी हुई है, उसे लेकर क्या साफ होगा और कब तक साफ होगा? जी देखिए, युवाओं का इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है और जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है और यहाँ पर ये बात जो है सीधे सामने निकल कर ये जरूर आती है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चूक रही है या फिर कोई चूक की गई है, तो इस पर जो है सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चाहे जो अरेस्टिंग है वो हो जाए, लेकिन जो युवाओं के जो इतने लंबे वक्त से जो मेहनत कर रहे हैं देहरादून शहर में आकर, खास तौर पर जो गरीब तबका है एक पहाड़ का, वो पढ़ाई करता है और उसके बाद अगर भर्ती में इस तरीके का घोटाला हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का जो है आज के युवा को जरूर लगता है, तो सरकार को इस पर एक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये पहलू भी बहुत मजबूत है। अरेस्टिंग तो एक अलग पहलू है, लेकिन जहां पर युवाओं के करियर का सवाल है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा जो है उनको प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, तो अब युवाओं की भर्ती को लेकर राजनीति अपनी जगह है, तमाम कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, देखना है कि इस पर टेक क्या होता है और कब तक स्पष्ट जवाब दे पाएंगे। यहाँ ये बताइए रवि कि राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाएगा या फिर ये आश्वासन दिया जाए कि भाई जल्द से जल्द चीजों को क्लियर करके भर्ती का रास्ता खोला जाएगा? जी देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक ये बात सामने आई है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और उसके पीछे कार्य भी हो रहा है, एक अरेस्टिंग हो चुकी है, कुछ नामजद और लोग भी हैं जिन पर जो है लगातार कार्रवाई चल रही है, तो ये देखना होगा कि कब तक जो है उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। और दूसरी तरफ जहां तक जो भर्ती वाला जो मामला है, तो युवाओं को इस बात का भी इंतजार है कि दोबारा जो है परीक्षा कराई जाए, ताकि जो उनकी मेहनत थी और जितना जिस वक्त का वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो भर्ती वन विभाग की हुई है ये 2012 से लटकी हुई थी। एक लंबा इंतजार होता है किसी स्टूडेंट के लिए कि इतने सालों तक इंतजार करना, और उसके बाद जब वो परीक्षा की बारी आती है तो एक घोटाले से कहीं ना कहीं उनके जो सपने हैं वो भी चकनाचूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सिर्फ पलायन मंत्रालय बनाने से काम नहीं होगा, भर्तियां ही जब अटकी रहेंगी तो यहाँ के युवाओं के लिए निराशा ही हाथ लगनी। अब देखना है कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह का एक्शन लिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है या वाकई कोई कार्रवाई होती है। रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये देहरादून से आई तस्वीरें एनएसयूआई के, ये स्टूडेंट यूनियन को देख सकते हैं, 2012 से ये पूरा मामला वन रक्षक भर्ती घोटाले के बाद से अटका हुआ है। उधर बागेश्वर से बड़ी खबर मिल रही है, गुलदार का शव मिला है। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बागेश्वर से, गुलदार का शव मिला है, मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं,
गरुड़ तहसील के ग्राम लौबाज में शव मिला है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बेहद जरूरी है ये जानना कि आखिर मौत हुई है या हत्या। अगर हत्या है तो ये बहुत बड़ी चुनौती और माथे पर शिकन लाने वाली खबर होगी वन विभाग के लिए। चीन में फैले कोरोना वायरस का असर अब धीरे धीरे उद्योगों पर दिखने लगा है। रुड़की के रामनगर क्षेत्र में करीब 150 छोटे उद्योग हैं, जिसमें 25 फार्मा कंपनी है। इन उद्योगों का कच्चा माल चाइना से सप्लाई होता है। वहीं पिछले 20 दिन से उद्यमियों को कोई कच्चा माल नहीं मिला है और अब उद्यमी परेशान है। उनका कहना है कि रामनगर आसपास के कई औद्योगिक कंपनियां जो कच्चे माल पर निर्भरता चाइना पर थी, वो अब ठप सी पड़ने लगी हैं। उनके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ने लगा है, क्योंकि चाइना से हर तरह के आवाजाही और कच्चे माल की सप्लाई पर कोरोना वायरस के डर की वजह से असर पड़ा है। और ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो कच्चा माल के लिए चाइना पर निर्भर करती हैं, जिसमें जूते और सोल बनाने के लिए अक्सर रबर की जरूरत भी चाइना से ही पूरी होती है। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग के दौरान 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मीटिंग में 53,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मुहर लगी। ये बजट पिछली बार से 10% ज्यादा है। नई आबकारी नीति पर मुहर लगी है। वहीं बैठक में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय के एरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली है। तो कल की बैठक से निकले जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी, ये बड़ी अपडेट है, जिसके तहत लॉटरी से दुकानों का आवंटन और शराब की कीमतों में भी गिरावट देखी जाएगी। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से भी सस्ती शराब अब मिलेगी उत्तराखंड में। मंत्रिपरिषद में टोटल 13 सब्जेक्ट आए हैं, इसमें बजट भी आया है। महामहिम का अभिभाषण पर भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इससे अलग 11 विषय और भी हैं और सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। केवल एक में हमने कमेटी का गठन किया, बाकी सबको सहमति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महादेव मंदिर में खास पूजा अर्चना की। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर आयोजित किए गए मेले के समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। श्री प्रदीप चंद्र अमोला जी माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रतापनगर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री रमेश प्रसाद सेवाल जेएस प्रमुख प्रतापनगर, श्री देवेंद्र दुबोगा जी प्रतापनगर हमारी तहसील है, जो गंगा के और गंगना के दायां बायां किनारा है। ये कह सकते हैं उसकी ये लाइफ लाइन इसके लिए साबित होगा। और वर्षों से जो लोग के अभाव में तमाम तरह की दिक्कतें होती थी, ये सब दिक्कतें दूर होंगी और यहाँ की जो लाइफ है वो स्मूथ होगी, उससे लोगों को आसानी होगी आने जाने। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने वीके सिंह ने ऑल वेदर रोड के निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण कार्यों में जो भी कमियां पाई जा रही हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। ये भी कहा कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी, फंड की कमी कोई नहीं होगी। जो स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और कटिंग का काम इस साल की जो यात्रा होगी उससे पहले समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि यात्रा के दौरान कटिंग करने से रास्ता अवरुद्ध होता है, लोगों को कठिनाई होती है और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कठिनाई हो। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें फाइनल कर ली गई हैं या जिनके अंदर कहीं पर कोई थोड़ा बहुत शक रह गया था उसको ज़मीन पर देखकर पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि समय सीमा के अंदर वो कार्य पूरे हो सके, आने वाले कुंभ से पहले समाप्त कर लिए जाए। और आपके माध्यम से मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और सबके सब इस चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से काम भी करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं,
चाहे वो मदद निर्देश देने में हो, चाहे वो मदद ये देखने के अंदर हो कि उनको सब साधन मिलें, चाहे वो मदद इसलिए हो कि जितने अलग अलग तरह की प्रशासनिक का अनुमतियां होती हैं वो मिलती रहें ताकि काम को जल्दी आगे ले जाया जा सके। और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अभी भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार का नजरिया ही साफ नहीं है और मांग यह है कि सरकार को इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। भाजपा कहती है कि सरकार इस मसले पर सोच समझ कर ही कोई कदम लेगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, इसी बीच जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन प्रमोशन आरक्षण में सड़क पर उतरे, उनके विरोध की तस्वीरें आई। वहीं एससी एसटी कर्मचारी भी प्रमोशन में आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। यानी एक धड़ा है प्रमोशन में आरक्षण मांग रहा है, दूसरा धड़ा है उसका विरोध कर रहा है और कुल मिलाकर राजनीति भी चालू है। आरक्षण के मामले में सरकार का नजरिया स्पष्ट नहीं है। आरक्षण के मामले में फैसला सरकार को करना है। कांग्रेस सरकार में होती तो आप कांग्रेस से पूछते साहब कि आपका क्या नजरिया है, आप क्या इसमें करने वाले हैं। हमने क्या करना है इसमें, हम तो कह रहे हैं संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, संवैधानिक जो मूल्य हैं आरक्षण के मामले में, उसका पालन किया जाए। और आप सरकार के लोग जिस प्रकार से लगातार इसको टालमटोल कर रहे हैं उससे स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। दोनों जो अनुसूचित जाति के हमारे भाई हैं, जनजाति के भाई हैं, और सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो संयुक्त मोर्चा है, इन लोगों के बीच में खटास पैदा हो रही है। ये सरकार ने कहा है कि अभी वे चिंतन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चूँकि मामला उच्चतम न्यायालय का है, संविधान से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे का निर्णय लेगी। और दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहा है और एक पक्ष प्रमोशन में आरक्षण चाहता है, तो इन सब बातों के बीच में जो उचित निर्णय होगा वो राज्य सरकार उठाए। भगवान शिव के धाम केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मगर इस बार केदारनाथ यात्रा मार्ग की बात करें तो वहां अभी भी बर्फ जमी हुई है। इस रास्ते को खोलने में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्यारहवीं ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि तय होती है। आज विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजा करके हमारे विद्वान आचार्य पंडितों के द्वारा श्री बद्रनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि 29 अप्रैल 2020 प्रातः 6:10 के सुमुहूर्त पर कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। सबसे पहले 25 अप्रैल को ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा होगी, जिसके बाद बाबा केदार की उत्सव डोली 26 अप्रैल को ऊखीमठ स्थित पंचगद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। 27 अप्रैल को डोली गौरीकुंड रात्रि प्रवास के बाद 28 अप्रैल की शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 29 अप्रैल को मेष लग्न में सुबह 6:10 पर केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने की तारीख की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारी चिंता सबसे बड़ी यह है कि श्राइन बोर्ड 15 जनवरी से अस्तित्व में आ गया है। 15 जनवरी से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कहीं पर भी कोई अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब चिंता की बात यह है कि एक तरफ श्राइन बोर्ड अस्तित्व में आ गया है, दूसरा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल समिति कहीं नहीं है, तो इन यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए बजट की कौन तैयारी करेगा, यात्रा की व्यवस्थाएं कौन करेगा, प्रशासनिक आधार क्या होगा? और जब अगर बोर्ड है नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट बोर्ड है नहीं कहीं पर अस्तित्व में, तो वो बजट को कौन स्वीकृत कराएगा ताकि आगे की यात्रा की व्यवस्थाएं ठीक हो पाए। सबसे पहले मंदिर और पैदल मार्ग से बर्फ हटाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही बिजली व्यवस्था बहाल करना, पेयजल लाइनों की मरम्मत समेत और तमाम काम किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
मसूरी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग साझा दरबार के पास एक बड़ा पुश्ता ढहने की वजह से 2 घंटे तक ये पूरा रास्ता बाधित रहा, जिसकी वजह से यमुनोत्री आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई। पुश्ता गिरने की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 2 घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की भी मदद से मिलजुल कर इस रास्ते को खोला जा सका। तो पहाड़ी रास्तों की ये चुनौती है जहां पर ऐसी तस्वीरें आती हैं। हालांकि यहां प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक साथ कोशिश की तो 2 घंटे के बाद ये रास्ता सुचारू हो पाया। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट है। इसी को लेकर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने जिला अस्पताल रुद्रपुर का औचक निरीक्षण किया। डीजी हेल्थ के निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान निरीक्षण कर सीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड का भी उन्होंने निरीक्षण किया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए बीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज यानी 23 फरवरी को भीम आर्मी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर पहले ही रुड़की पुलिस चौकन्नी थी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था खराब ना हो इसके लिए पुलिस की तरफ से पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग भी कर ली है, इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत कर ली है। किसी प्रकार से रुड़की क्षेत्र के शांति व्यवस्था भंग होने नहीं दी जाएगी, उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमें उपलब्ध हो चुका है और हमने ड्यूटियाँ भी लगा दी हैं। और इनको भी हमने कहा है कि वो अपना यदि शांतिपूर्ण निकालते हैं जुलूस तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कहीं पर ट्रैफिक जाम करने की या रोड जाम करने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने पोल्ट्री व्यवसायियों के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसे लेकर पोल्ट्री व्यवसायियों में काफी नाराजगी है। दरअसल नए नियम के मुताबिक पोल्ट्री व्यवसायियों को स्लॉटर हाउस से कटे मुर्गे लेकर ही बेचने की पाबंदी है। ऐसा नहीं करने पर चालान किया जाएगा। विभाग की तरफ से ये फैसला साफ सफाई हाइजीन को देखकर बीमारियों की रोकथाम को लेकर लिया गया है। विरोध प्रदर्शन में अपनी दुकानें भी बंद रखी हैं, क्यों? क्योंकि एकदम ही हमारे व्यापार पे क्या कहते हैं प्रहार किया जा रहा है। हमारे को सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आ रहे हैं कि आप जिंदा मुर्गा इस दुकान अपनी दुकानों पे नहीं बेचोगे, कटा कटा स्लॉटर का मुर्गा बेचोगे, जिसमें क्या कहते हैं सरकार ने ना ही कोई स्लॉटर की हमारे को व्यवस्था दी है ना कुछ है। और यहाँ पे देहरादून के आसपास भी कहीं भी कोई स्लॉटर हाउस नहीं है कि जहां से जाके किसी अगर छोटे दुकानदार को 10 मुर्गों की या 20 मुर्गों की अपनी जो रोज की क्षमता के हिसाब से जरूरत है वो उसे पूरा कर सके। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर मेला अधिकारी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मेला अधिकारी की तरफ से कुंभ के तमाम कामों को वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कुंभ के कामों की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश विभागों को दिए गए हैं। प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहा था, जो हमारे काम सैंक्शन हो चुके हैं अभी तक, जिनके जीओस भी हो गए हैं, उनकी फील्ड पे क्या प्रोग्रेस है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी का एक वर्क है, सिडकुल भाद्राबाद जो हमारा मार्ग है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, बाकी जो काम है उनकी प्रोग्रेस अच्छी है। और दूसरा पार्ट जो बैठक का था वो इसको लेके था कि जो अब मेला शुरू होगा उससे पहले हम बहुत से काम ऐसे कराते हैं जो कि टेम्पररी नेचर के होते हैं, जो मेले के बाद फिर हटाए जाते हैं। कई इनफैक्ट में इसमें सीरीज ऑफ मीटिंग्स करनी होती जिसमें कि इसको हम और फाइन ट्यून करें ताकि किसी प्रकार से कोई गलती ना रहे। रुड़की आईआईटी में एक छात्रा से एक बार फिर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आईआईटी से पीएचडी कर रही छात्रा ने अपने जूनियर साथी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने छात्र के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। छात्रा है वहां पर जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसने अपने ही जूनियर पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो उसमें जांच की जा रही है, जांच करने के बाद उपरांत जो भी सही होगा उस तथ्यों को कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है।
नेपाल की एक युवती को चोरी छुपके भारत लेकर आ रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है युवती धारचूला की गोठी गांव की है, वहीं से उसे लाया गया। पुलिस ने युवती को फिलहाल एक सामाजिक संगठन को सौंप दिया है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इनके मुखबिर की सूचना पर इन्होंने एक युवती और दो युवकों को अपनी हिरासत में लिया। कोटद्वार की कई कॉलोनियों में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। लोग बोतल में गंदा पानी लेकर एसडीएम के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहना यह है कि ऐसा महीने भर से चल रहा है कि ऐसे ही गंदे पानी से उनका गुजारा हो रहा है, मगर संस्थान की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लाल पानी कुंभी चोड़ बिसनपुर, ये जो है गंदा पानी आ रहा है। अब ये लोग जो है, इन लोगों से शिकायत तो करी गई, लेकिन इन्होंने कुछ काम तो करा, लेकिन उसके बाद भी ये जो है समस्या सोल्व नहीं कर पाया। आज हम जो है अभी फिर वहाँ के जल संस्थान ऑफिस गए थे, वहाँ रोमोलॉजी से बात हुई, अधिशासी अभियंता से, उन्होंने कहा ठीक है हम उसको करेंगे। उत्तराखंड में कृषि उत्पाद अधिनियम को खत्म कर इसकी जगह केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट को लागू करने की तैयारी हो रही है। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। एपीएलएम के लागू होने के साथ राज्य में फल सब्जी पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा, मंडियों में स्थित दुकानों से यूजर्स चार्ज लिया जाएगा। इसी बीच वित्त विभाग ने मंडी शुल्क खत्म करने पर होने वाले नुकसान समेत अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगी है। वित्त और न्याय विभाग की सलाह के बाद एपीएलएम के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि इस बार 3 तारीख से होने वाले गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान इसे सदन में पेश किया जाए और पारित कराया जाए। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ, खबर आपके जुबान आपकी।